हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ दाल खट्टा भाजी से। ये बहुत टेस्टी है, बहुत यम्मी है और साथ में बहुत जल्दी डाइजेस्ट भी होता है। तो आइए देखते हैं ऐसे टेस्टी यम्मी दाल के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। ये है रहर दाल एक कटोरी, आप अपनी आवश्यकता अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं। उसके बाद कटी हुई प्याज, हल्दी, हरी मिर्च, उसके बाद नमक, तेल और ये खट्टा भाजी है 250 ग्राम, एक पाव जितना है। तड़का लगाने के लिए करिया पत्ती, सूखी लाल मिर्च, जीरा, सरसों, चना दाल, उड़द दाल। तो सबसे पहले रहर दाल को धो के उसमें हल्दी डाल के इसको हम लोग 2-3 विजल आते तक पकाएंगे। जब तक दाल पकता है, खट्टी भाजी की दाल को मैं कटिंग कर रही हूँ। इसको हमें छोटा छोटा चॉप करना है, कटिंग करना है, ताकि ये ईजिली दाल में गल जाए। अब मैं दाल बनाने के लिए बर्तन रखी हूँ, गैस ऑन की हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी दाल। दाल को मैंने अच्छे से पका लिया है, 2-3 विजल आते तक सिर्फ मैंने हल्दी डाला है और उसको पकाया है। पे हमें दाल को ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, क्योंकि इसमें हम लोग भाजी डाल के और पकाएंगे तो वो गाढ़ा हो जाएगा। अब मैंने इसमें डाला है बारीक कटी हरी मिर्च, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। फिर उसमें मैंने डाला है प्याज, प्याज डाल के मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं इसे पका लूँगी। उसके बाद मैंने इसमें डाला है बारीक कटी भाजी, ये 250 ग्राम है। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा खट्टा नहीं पसंद है तो आप कम करना, अगर ज़्यादा खट्टा पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया। ये बहुत जल्दी पकता है, बहुत जल्दी दाल में गल जाता है। मैं इसको अच्छे से मिक्स की हूँ। अब मैं इसको ढक के धीमी आँच पर 5 मिनट तक पकने के लिए रख दूँगी। अब मैंने इसे ढक दिया है। 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं दाल काफ़ी अच्छे से पक गया है, पूरा भाजी गल गया है। हमें दाल कच्चा नहीं रखना है, इसमें अच्छे से पकाना है। अब मैंने नमक डाला है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। दाल अगर कच्चा रहेगा तो भाजी डालने के बाद वो पकेगा नहीं, दाल को हमको पहले ही बहुत अच्छे से पकाना है। अब मैं इसको दाल घोटनी से थोड़ा सा घोट रही हूँ, ताकि दाल और भाजी इवनली अच्छे से मिक्स हो जाए। आप यहाँ पे पोटैटो मैशर या हैंड ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको अच्छे से घोट रही हूँ, बहुत जल्दी पक जाता है। पर भाजी डालने से पहले दाल अच्छे से पका हुआ होना चाहिए। भाजी डालने के बाद फिर दाल नहीं पकता है। अब मैं तड़का लगाने के लिए बर्तन रखी हूँ, उसमें मैंने 2 स्पून ऑयल डाला है। सारी तड़के वाली चीज़ें डालूंगी। पहले मैंने चना दाल डाला है, फिर उड़द दाल डाला है, उसको थोड़ा सा मैं गर्म होने दूंगी। उसके बाद मैंने इसमें डाला है लहसुन को, लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। लहसुन थोड़ा कूट के डालना, अदरवाइज वो तेल में फूट जाएगा। फिर उसके बाद मैंने डाला है सरसों, सरसों के बाद अब मैं उसमें मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके इसमें मैं डालूंगी जीरा, जीरा डाल के इसमें, इसके बाद मैं डालूंगी सूखी लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च डाल के फाइनली मैं डाल रही हूँ करिया पत्ती। हमारा तड़का बनके रेडी है। अब मैं इसको डालूंगी दाल के ऊपर। तड़का डाल के ढक्कन तुरंत बंद कर देना, फिर उससे दाल का फ्लेवर बहुत अच्छे से आता है। तड़का बन गया है, मैं इसको डाल रही हूँ दाल के ऊपर। बस हमारा दाल बन के रेडी है। ये खट्टी टेस्टी यम्मी दाल बना के देखिए और बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।